आगे बढ़ते हैं और चर्चा हम आज कर रहे हैं अलग अलग तेल के चमत्कारी उपायों की। तो किस तेल का इस्तेमाल डायबिटीज को कंट्रोल करेगा और आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देगा, चलिए भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताइए पंडित जी, मुझे लगता है कि ये तेल तो हर कोई जानना चाहता होगा। ये एक ऐसा रोग है कि शायद ही कोई परिवार बचा होगा जो इस रोग से अछूता हो। ये बहुत बड़ी महामारी है और पहले ये रोग नहीं होता था। आप ये रोग जानती हो क्यों होता है? इस रोग के मूल उद्गम में गेहूं है। लोग कहते हैं चीनी से होता है, लेकिन मैं कहता हूं चीनी से नहीं होता है, ये गेहूं से होता है। अगर गेहूं का प्रोडक्ट आदमी खाना बंद कर दे, गेहूं की चीज़ें आदमी खाना बंद कर दे, जौ के प्रोडक्ट खाना शुरू कर दे, मक्का ज्वार खाना शुरू कर दे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शुगर जैसी महामारी से निजात पाया जा सकता है। देखिए, बात करने जा रहा हूं जैतून के तेल की। अब ये तेल आम भारतीयों के पहुंच में नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं जैतून का तेल काफ़ी महंगा है। ये लगभग 800-900 रुपए किलो है। तो आम आदमी जो पूरे दिन 500 रुपए की मजदूरी करता है, 600 रुपए की नौकरी करता है, वो 800-900 रुपए का तेल कहाँ से यूज करेगा? जैतून का तेल शुक्र ग्रह से संबंधित है, इसलिए जैतून का तेल तो मीडिया वालों को, फिल्म वालों को, ग्लैमर की दुनिया वालों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका करियर और ब्राइट हो और अच्छा हो। रोज जैतून का तेल इस्तेमाल करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनको जैतून के तेल का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो जैतून के तेल में बना करके सब्जी खानी चाहिए। जिन लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है उनको अपने शरीर पर जैतून के तेल की मालिश करवानी चाहिए, लेकिन वही बात, फिर बहुत महंगा है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल महंगा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो अमृत जितना महंगा है। जैतून के तेल का घर में हर रोज दिया जलाने से घर में खुशहाली और सुख शांति रहती ही है, लेकिन जैतून के तेल की सामर्थ्य तो दे भगवान। जैतून के तेल से एक अनुभव बता रहा हूं आपको। जिस बच्चे की मसाज 2 साल की उम्र तक जैतून के तेल से कर दी जाए वो बच्चा पूरे जीवन के लिए निरोगी होता है और वो 10 बच्चों में अलग ही दिखाई देता है। इतना सुंदर उसका स्वास्थ्य होता है, इतनी मजबूत उसकी हड्डी होती है, इतना मजबूत और सुंदर उसका व्यक्तित्व लगता है। तो ये तो है तो बहुत ही चमत्कारी तेल, लेकिन अब ये प्राप्त होना चाहिए, इसको फिगारो भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो जैतून के तेल का उपयोग केवल बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं, केवल डायबिटीज के पेशेंटों के लिए नहीं, नवजात शिशुओं के लिए भी रामबाण की तरह लाभकारी है। जय माँ विंध्यवासिनी।